नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। खबर है प्रयागराज की। दरियाबाद प्रयागराज में नितिन साहू की सस्ते गल्ले की दुकान है, जो कि गरीब जनता से जबरदस्ती 40 एमआरपी का सैनिटाइजर दे रहे हैं। जो सैनिटाइजर नहीं लेता उसको राशन देने से मना कर रहे हैं। आज नहीं, यह समस्या काफी समय से है। नई नई स्कीम चलती रहती है, जनता से सरकार के बहाने लूट मचाने का अब एक नया तरीका आजमा रही है। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, अजय कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। आपको सैनिटाइजर दिया गया? मैं ली नहीं, मैं पहली बात मेरे यहाँ इनके यहाँ कार्ड ही नहीं है। जानते हैं कि अगर मैं इनका कार्ड ले लूंगा तो ये हमारे पे हावी हो जाएंगे, पूरा पब्लिक को लेकर जिसका इनके पास कार्ड है। मैं दुकान से खुद खरीद के ले आती हूँ, ठीक है। और इन्होंने एक कार्ड पे 5 किलो राशन काटते हैं, 2 की फ्री वाले में भी काटते हैं। और बताइए, और जाकर 500-600 रुपया लगता है। गवर्नमेंट कहाँ बनवा रही की जो ये जनता से लेके बनवा रही है। ये कंट्रोल वालों का काम है, इन्हीं का एक नहीं, हर कंट्रोल वालों का है। ये पीछे दिनेश केसरवानी, उनके भी कंट्रोल में, ये बलुआ घाट में है, हर राजेश केसरवानी, सब कंट्रोल में ही हो रहा है। और ये सब गरीबों का बताइए, 13 बार बुला बुला के इनको परेशान किया जाता है। और इनको गल्ला भी देंगे तो 5 किलो कम देंगे। किस बेस पे काम कम दे रहे हैं 5 किलो? गवर्नमेंट इनसे बताया आपको कम मिला सैनिटाइजर। हम लोग को जो है प्रोवाइड करने की सुविधा दी गई है, वितरण करने की सुविधा दी गई है। हम लोग वितरण किए हैं सैनिटाइजर, ठीक है। इसलिए कि जनता सबको कोरोना काल में सबको सैनिटाइजर की आवश्यकता है, ठीक है। सब अपना अपना सैनिटाइजर यूज करें, हम भी अपना यूज करते हैं, ठीक है। जो है छुएंगे नहीं सैनिटाइजर, इसलिए अपना अपना सैनिटाइजर यूज करवा रहे हैं। नहीं तो आपको सैनिटाइजर सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया है बांटने के लिए, आप अपने तरफ से सैनिटाइजर ये हम लोग बांट रहे हैं जनता के लिए, बांट रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। कोई आदेश नहीं है? हाँ जी, जनता को वितरण कर रहे हैं सैनिटाइजर अपने तरफ। जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से कोई सरकार का कहना है कि सब सारी जनता सैनिटाइजर का उपयोग करे, ठीक है। सरकार का कहना है, बाकी जितने भी है सरकारी इसी में हमने पता ये सब जगह शुरू होने वाला है। धीरे धीरे सैनिटाइजर सब जगह वितरण होगा, शुरू होगा वो तो सरकार की तरफ से। हम लोग ने पहले हम लोग सबसे फास्ट काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग सारे काम किए, सबका है प्रमाण पत्र। हम लोग हर कार्ड पर दिया जा रहा है, जो कि सरकार के तरफ से नहीं है, ये अपने तरफ से जनता को अभी दे रहे हैं, बता रहे हैं। सरकार की योजना आएगी, इससे पहले हम काम कर रहे हैं। एक महीने में 2 बार होता है, जैसे आएगी तो एक बार पेमेंट देना पड़ता है, एक बार दिया तो बात ही किया जा रहा है, उपलब्ध नहीं करा जा रहे हैं। तो सरकार से यही आग्रह है कि अगर सैनिटाइजर सरकार की तरफ से उपलब्ध हो रहा है तो उसको हर जगह पर उपलब्ध कराएं, अन्यथा जनता को जो जबरदस्ती का सैनिटाइजर 40 रुपए एमआरपी का थोपा जा रहा है उसको जांच कराकर। मार्केट में कीमत 15-25 रुपए है उसकी। कीमत तो ठीक है, कीमत की बात नहीं है, कीमत में नहीं रखी, कीमत की बात नहीं है, ये 40 रुपए की बात है भैया। कहीं नहीं बढ़ रहा है, अगर कहीं अगर आपको इधर आओ, आगे आओ, इधर आओ, 25 रुपए आगे आओ ना, सब बोल रहे हैं, आगे आके बताओ ना कि क्या हो रहा है। इधर से आओ, नीचे से आओ, जनता नीचे से आओ, मैं ये बताइए पहले, अगर ये गरीब है, ये सैनिटाइजर आपने लिया 40 रुपए, उसके बिना गल्ला आपको नहीं मिल रहा, अभी तो पता ही नहीं मिलेगा। तो बताओ ना कि बोला गया कि इसके बिना नहीं मिलेगा, 40 रुपए में लेना ही पड़ेगा, और कहीं ना सैनिटाइजर भी दिखाओ, कहाँ शीशी लाए हो, इस पे लिखा हुआ है 40 रुपए बाकी। ये देखिए राशन कार्ड, 40 रुपए बाकी लिखिए ना, हमने कहीं लेंगे, कहीं जहाँ शिकायत करना वहाँ से जाके जो है राशन लेना, फिर यहाँ शिकायत करना, ये गुंडागर्दी भी है, ये गुंडागर्दी भी है साथ। अगर आप सैनिटाइजर नहीं लेंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा। गल्ला लेने आएंगे आपको पैसा देना पड़ेगा, ये 40 रुपए लिखिए बाकी।